आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। वक्त की खास खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर बिजनौर में गरीब कल्याण जनसभा कार्यक्रम में केंद्र सरकार द्वारा और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभ के तहत गरीब लोगों को सम्मानित किया गया। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री बृजलाल वर्मा ने बिजनौर पहुंचकर निजी बैंकेट हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को आवास की चाबी, छात्रों को लैपटॉप देकर सम्मानित किया। प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा आवास, आयुष्मान कार्ड, बहुत सारी शिक्षा के क्षेत्र में जो जिनकी बच्चों की परिवार जो होगी ऐसे बच्चों को देता और जो हमारी जो ये महिलाएं हैं बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप उनको पैसा देने यानी सर्वत्र जो कल्याण के काम हो रहे हैं उनकी योजना भी पात्र लोगों को उनके पत्र देने का काम, उनको बातचीत करने का काम, प्रधानमंत्री की कार्यशाली जनहित ही कार्यशाली पूरे कार्यकाल के अंदर ही है उसकी चर्चा कर रहे हुआ ये लोगों की हमारे केंद्र में हुआ है। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए हैं, जिसको लेकर अमेठी से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रफीक वारसी ने कहा कि हम इस कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं, ये लोकतंत्र है, सच्चाई को आप जितना दबाएंगे उतना ही उभरेगी। भाई मैं तो ये समझ रहा था कि सब खत्म हो गया 2015 में, क्यों ये बार बार बुलाया जा रहा राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को। अरे ठीक है कि सत्ता में कोई दल है तो उसका ये मतलब नहीं है कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी के लोगों को जिन्होंने के इतने दिनों तक देश की सेवा की है अब उनको अपनी नीयत के तहत उनको सिर्फ परेशान करने के लिए, कांग्रेस को परेशान करने के लिए फिर ईडी का खौफ दिला दिखा करके राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को तलब, ये अच्छी बातें नहीं हैं। ये सुनिए, ये राजनीति के बारे में मैं एक चीज़ कह दूँ, आप पूछ रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि राजनीति भी है कितनी रोचक और अपूर्व, राजनीति भी है कितनी रोचक और अपूर्व, कभी हम भूतपूर्व कभी तुम भूतपूर्व, ये तो सबके लिए लगा रहेगा ना। हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि एक परिपाटी हो जाए कि सत्ता से हटने के बाद हर आदमी को इसका सामना करना पड़े। हेराल्ड केस के मामले में राहुल गांधी को पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर बुलाया गया था। मौके पर उनके साथ कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता और नेताओं का हुजूम भी था, जिसके बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी को प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजा कि मामले को लेकर पूरे देश और वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काशी हिंदू विश्वनाथ के सिंहद्वार पर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन का नाम सत्याग्रह दिया। इस तरीके से सरकारी संस्था, नरेंद्र मोदी जी सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, ईडी द्वारा राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को सम्मन भेजा गया है और उसी के उस चीज़ को लेकर हम लोग बीएचयू के सिंह द्वार पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जी हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को ईडी का जो सम्मन भेजा गया है उसके विरोध में हम सभी छात्र नेतागण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मामला क्या था? मामला यह है कि मोदी सरकार पूरे संविधान को नहीं मान रही है, कानून व्यवस्था एकदम नहीं चल रही है, मनमाना तौर के से सरकारी कार्यों को, सरकारी चीज़ों को पूरा प्रयोग कर रही है अपने हित के लिए। राहुल गांधी जी को जो समन भेजा गया है ईडी का, तो उसके लिए हम लोग बहुत विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर बुलंदशहर से है, जहां जेल, कारागार और होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसके बाद कारागार के मुख्य द्वार पर आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नवनिर्मित बुलंदशहर व बुलंदशहर जेल का आजादी का इतिहास नामक स्मारक का उद्घाटन किया। आज माननीय कारागार एवं होमगार्ड मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति द्वारा जिला कारागार का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। गाढ़ा पोनर के बाद कारागार के मुख्य द्वार के बाहर आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बुलंदशहर और बुलंदशहर जेल का आज़ादी का इतिहास नामक स्मारक
का उद्घाटन किया। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत पुलिस लाइन का है, जहां वर्तमान परिस्थितियों में दृष्टिगत एडीसी आगरा जोन अलीगढ़ पहुंचे और पुलिस व जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान एडीसी राजीव कृष्ण ने पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और जनप्रतिनिधियों के साथ भी संवाद किया। अलीगढ़ में आकर के यहाँ पर यहाँ के कानून व्यवस्था अपराध की समीक्षा की गई और जो अभी माहौल थोड़ा बहुत चल रहा है उसके विषय में सभी अधिकारियों के साथ विस्तृत निर्देशों को दिए गए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, शासन के द्वारा और डीजी मुख्यालय के द्वारा। इस विषय में समय समय पर पिछले दो हफ्तों में कई बार निर्देश दिए गए हैं, उससे सभी अधिकारियों को अवगत कराया गया। उसके बाद सभी जनप्रतिनिधियों से बहुत ही एक प्रोडक्टिव विचार विमर्श हुआ और उसमें भी कुछ इशूज़ निकल कर सामने आए जिनका निदान, जिनका रेजोल्यूशन किया जा रहा है। और साथ ही अब इसके बाद एक वन स्टॉप सेंटर जिसमें महिला विक्टिम्स के बारे में व्यवस्थाएं रहती हैं उसका मेरे द्वारा निरीक्षण किया जाएगा और एक थाने का निरीक्षण किया जाएगा। खबर वाराणसी से है, जहां जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने आज जिला राइफल क्लब सभागार में जन सुनवाई करते हुए शिकायती पत्रों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा और भी जमीन संबंधी मामलों की सुनवाई की गई और सभी मामलों पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने का निर्देश दिए गए। फर्रुखाबाद शहर में अतिक्रमण अभियान पर बुलडोजर लगातार चलाया जा रहा है, जहां रेलवे रोड पर चला अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। नगर मजिस्ट्रेट के आदेश पर कार्रवाई की गई। हुई अभियान के दौरान नगर मजिस्ट्रेट के साथ होटल मालिक के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात की गई। एक 8 दुकानें थी जो जिनमें से 2 दुकानें बिल्कुल नहीं बच रही थी और 6 दुकान 1.5 फुट की थी, तो उनका रोजगार खत्म ना हो इसलिए उन्हें 2 फुट की रियायत दी गई कि वो 3-4 फुट में अपना दुकान संचालन कर सकते। अच्छा, वहीं पे उसके ठीक सामने कुछ लोग और नहीं, वहाँ पे पीछे बहुत गहराई है, वो लोग सक्षम लोग हैं और उधर मकान की गहराई लगभग 100 फुट है, तो वहाँ पे रियायत नहीं। खबर कुशीनगर से है, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में कुल 140 किलो गांजा की बरामदगी की गई है, जिसके बाद पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। ₹21 लाख से अधिक बताई जा रही है। ये व्यक्ति उड़ीसा के विभिन्न क्षेत्रों से गांजे की सप्लाई किया करता था, वहाँ से गांजा लेकर बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में इसको बेचने की योजना थी। एक पिकअप वाहन के अंतर्गत अलग अलग स्थानों पे उस गाड़ी में इसने गांजे को छुपाया हुआ था, उस पिकअप वाहन को भी बरामद कर लिया गया। ये किन व्यक्तियों को आगे बेचने जा रहा था, इस चीज़ की जाँच पड़ताल पुलिस के द्वारा की जा रही है, अगर मेरी कार्रवाई होगी। खबर गोंडा से है, जहां बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विद्युत उपकेंद्र सुभागपुर में 1 किलोमीटर की दूरी पर खुला तार पड़ा रहा। ग्रामीणों के शिकायत के बाद भी बिजली विभाग ने कोई सुनवाई नहीं की, जिससे ग्रामीण में बड़ा हादसा होने का डर बना है। आपने कृष्ण जन्म की कहानी कई बार सुनी होगी कि जेल में एक माँ ने जन्म दिया और दूसरी माँ ने पाला, लेकिन आज एक ऐसा मामला देखने को मिला है जहाँ एक मानसिक विषुप्त महिला ने सड़क पर एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। मामले की जानकारी मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस ने वहाँ एक महिला होमगार्ड को भेजा, जिसके बाद महिला होमगार्ड ने एम्बुलेंस की मदद से माँ बेटी को अस्पताल पहुँचाया। शाम को एक एम्बुलेंस द्वारा एक विक्षिप्त महिला जिसका बच्चा सड़क पे हो चुका था कहीं, और वो एक महिला होमगार्ड के साथ हमारे अस्पताल के प्रसूति कक्ष में आई। इसका प्लेसेंटा लगा हुआ था, वो निकाला गया है प्लेसेंटा बच्चेदानी से और बच्ची हुई है और काफ़ी स्वस्थ है, क्योंकि माँ की कुछ तबीयत खराब है, इसलिए आई इस समय हमारे चिकित्सालय में भर्ती है वो। खबर गोंडा से है, जो इंडियन बैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में लगातार प्रशिक्षण हो रहा है, साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण संस्थान बनाया गया है। बता दें 21 जनवरी 2021 से यहाँ प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। वहीं महिलाओं को ब्यूटी पार्लर और जूट से चीजें बनाए सिखाया जा रहा है। अब तक 1984 लोग प्रशिक्षण पा चुके हैं।
खबर अररिया से है, जहां सरकार बराबर अवैध वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराने में जुटी हुई है, जिसके चलते दिल्ली धुना मार्ग पर जगहवार बसों के खिलाफ पीटीओ के कार्रवाई शुरू की है और चार बस समेत एक ट्रक पर कार्रवाई शुरू की है। खबर अलीगढ़ से, जो इग्लास के मंडी रोड पर दिन दहाड़े चोरों ने रिटायर्ड फौजी के मकान को निशाना बनाया, जहां फौजी अपनी पत्नी के साथ घर में ताला बंद करके बैंक गए थे। चोर मेन गेट से ताला तोड़कर घर में दाखिल हुए और अलमारी में रखे 7 लाख रुपए और जेवर लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी। खबर बलिया से है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कच्ची शराब बनाने की दर्जनों भट्टियां नष्ट करते ग्रामीण दिखाई दे रहे हैं। वहीं सीओ का कहना है कि मांडर थाना क्षेत्र में जो शराब की भट्टियां नष्ट करते ग्रामीणों द्वारा तोड़ने की वीडियो वायरल हो रही है, उसमें जांच चल रही है और कार्रवाई की जा रही है। किसी भी कीमत पर अवैध शराब बनने नहीं दिया जाएगा। खबर शाहजहांपुर से है, जहां थाना सिंधौली क्षेत्र में ढाबे में आग लग गई। इस दौरान खाना बना रहा कारीगर आग से गंभीर रूप से झुलस गया, जिसके बाद आनंद फानन में कारीगर को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। फोन आया था जी, होटल मालिक बातचीत हो गई, हमने कहा चले आओ छोड़। फिर 1 बजे फोन आया उसका, होटल मालिक का, बोले ढाबे में आग लग गई है। हाँ, कैसे क्या आग लगी ये कुछ बताया उन्होंने? कैसे मुआयना हो तो पता चले। अच्छा, क्या बताया जा रहा है? सिलेंडर फटा है ये हमने सुनने में आया कि सिलेंडर इन लोगों ने बाद में डाल दिया था अंदर। हाँ, किन लोगों ने डाला है? मालिकों ने। हाँ, मालिक क्या नाम है होटल मालिक का? राजीव शर्मा। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।